करेंगे बड़ी खबर के साथ। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बम धमाके से भागलपुर दहल उठा है। ब्लास्ट में 17 साल के एक लड़के की मौत की खबर है। धमाके में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब्दुल गनी के घर में यह धमाका हुआ है, बब्बरगंज में। हुसैनाबाद के कुरैशी की पूरी घटना बताई जा रही है। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी भागलपुर से आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर। 17 साल के एक लड़के की मौत हुई है, धमाके में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, घटना स्थल पर पहुंची है। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब्दुल गनी के घर में ये बम ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 17 साल के लड़के की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। कैलेंडर सब चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है, पूरा बम से उड़ा हुआ मेरा बच्चा है। ये बम कहाँ से आया? हम अपने घर में बम रखते हैं, यहाँ आस पास में है, पूरे मोहल्ले से पूछिए ये ब्लास्टिंग कैसे हुआ। क्या घायल हुए हैं? मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीवी घायल, मेरे बेटी घायल। क्या आदमी घायल? 3 आदमी। तो आपके घर में बम कौन? हम ये आसपास का है, मेरे घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये गिरा है यहीं पर से, कुछ है किसी का। आप ही का घर गिरा है? हाँ। ये कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कहाँ रखा हुआ है, क्या है नहीं है, सबसे आप लोग पूछताछ कीजिए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष रंजन इस वक्त भागलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, ये बताइए कि ये क्या कुछ घटना घटी है, बम कहाँ से आया, सवाल कई है, आखिर ये धमाका हुआ कैसे? जी, 6:30 से 6 के बीच में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जो कहा जा सकता है कि 5 से 6 किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज गई थी। और ये बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के कुरैशी मोहल्ला के रहने वाले अब्दुल गनी के घर में हुआ है। और वहां पर जो है एक उनका लड़का जो है मोहम्मद तौसीफ, उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। समझा जा सकता है कि उसका पूरा सब जो है छत बिछत पड़ा हुआ है। वहीं 2 लोग जो उसकी पत्नी है और एक और परिचित हैं, अब्दुल मन्नान और सुल्ताना खातून, ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया है। वहीं अब्दुल गनी का कहना है कि ये बम कहां से आया और कैसे विस्फोट हुआ है उन्हें मालूम नहीं। वो मोहल्ले वाले आशीष ये बताइए कि क्या जिस घर में धमाका हुआ है उन लोगों का, परिवारजनों का किसी से विवाद चल रहा था, क्या उन्हें किसी पर शक है, कोई आशंका कि किसी ने बम रखा हो? जी, अभी तक कोई आशंका उन लोगों की नहीं है। ये गोश्त के दुकान में काम करते हैं और गोश्त बनाने का काम करते हैं, और ये जब वहाँ थे तो उसी समय जबरदस्त धमाका हुआ। उस समय कई लोगों ने कहा कि सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन जब घर पर वो पहुंचे तो वहाँ पर उनका सिलेंडर सही सलामत था और पूरा घर जो है एक तरह से कहा जाए कि धराशायी हो गया। आसपास के 8-10 घरों के जो है शीशे टूट गए, तो इससे समझा जा सकता है कि कितना जबरदस्त विस्फोट था और इसकी गूंज काफी दूर तक गई थी। वहीं पुलिस की थाना के पुलिस जो है यहां पर पहुंची हुई है। वहीं बम स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है जांच के लिए, FSL की टीम भी पहुंच रही है, वहीं डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, तो सभी को अभी बुलाया गया है, लेकिन अभी स्पॉट पर कोई नहीं पहुंचे हैं। थाना के प्रभारी पहुंचे हैं और कुछ पुलिस बल जो है यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जबरदस्त विस्फोट था ये। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अब्दुल गनी के घर में ये बम धमाका हुआ है, बब्बरगंज में, हुसैनाबाद के कुरैशी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और चलिए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि हाल के दिनों में कितनी दफा बिहार में बम ब्लास्ट हुआ है।